और आई होप आप लोगों ने अपना चैनल अब तक बना लिया होगा, राइट? तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो सीरियसली आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, बिकॉज अभी आप न्यू हो तो आप लोगों को आपके चैनल पे जल्दी से कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए। इस वजह से आपको ये वाली बात बताना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप कुछ इमेजेस यूज करते हो गूगल से सर्च करके, फाइन, तो वो कॉपीराइटेड भी हो सकती हैं, राइट? इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, कैसे आप इमेजेस यूज कीजिए और आपको उसका कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। तो लेट्स गो फॉर, लाइक, अगर आपका कोई चैनल है, फाइन, तो उसमें आप ग्रीन चिल्ली की यूज करना चाहते हो, लेट्स गो फॉर इमेजेस, ठीक है? तो यहाँ पे अब बहुत सारी सुंदर सुंदर इमेजेस आ गई हमारे पास, फाइन। तो कई बार क्या होता है कि हम इन इमेजेस को अपने वीडियो में यूज करना चाहते हैं या एज ए थंबनेल यूज करना चाहते हैं, तो हमें एक्चुअली शुरू में तो पता नहीं होता है, जो भी हमें अच्छी लगती है हम उसको उठा के और यूज करना शुरू कर जाते हैं। पर आजकल जो यूट्यूब है वैसे भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है नए यूट्यूबर्स के लिए, तो आप लोगों को बड़े फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, आई वुड से, फाइन। तो आप क्या कीजिए, गो फॉर टूल्स, ओके, यहाँ पे आपके यूसेज राइट्स, ठीक है? तो आपने यहाँ पे है लेबल्ड फॉर रीयूज विद मॉडिफिकेशन, इट मींस कि आप इसको रीयूज कर सकते हो और आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। सेकंड है लेबल्ड फॉर रीयूज, ठीक है? लेबल्ड फॉर रीयूज मतलब आप इसको रीयूज कर सकते हो, बट आई वुड से कि आप इसके लिए जाइए लेबल्ड फॉर रीयूज विद मॉडिफिकेशन, क्योंकि आप उसमें कुछ ना कुछ टेक्स्ट भी ऐड करोगे, कुछ ना कुछ चीजें ऐड करोगे, तो इसलिए आपको लेबल्ड फॉर रीयूज विद मॉडिफिकेशन पे जाना पड़ेगा। गो फॉर दिस वन, ठीक है? तो ये वाली चीज है। अब आप इसमें से कोई भी इमेज उठा के अपने उसमें डाल सकते हो, अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हो, फाइन। कुछ और भी आप कर सकते हो, लाइक मोर टूल्स, आपको शो साइजेस है, आपके जो भी आप इमेज यूज करोगे उसके साथ में आपको साइज शो कर देगा उसका, ठीक है? तो गो फॉर द बिगर इमेजेस, क्योंकि आपका जितनी बिगर होंगी, अच्छी होंगी इमेजेस, उतनी ही क्लैरिटी अच्छी होगी, ठीक है? तो ये कर सकते हो। इसमें भी है फेस, फोटो, क्लिप आर्ट, लाइन ड्राइंग, एनिमेटेड, आप कैसी चाहते हो। जैसे हम चाहते हैं लाइन ड्राइंग पे, लेट अस सी क्या आता है। ये तो कुछ और ही आ गया, नहीं हाउ, नॉट ग्रीन चिलीज, राइट? कुछ एक दो इमेजेस हैं जो थोड़ी बहुत इसमें शो हो रहा है, तो लेट्स गो फॉर फोटो, फोटोज में वही आ गया है। और भी देखते हैं, एनिमेटेड नहीं आया कुछ भी एनिमेटेड में, ओके, क्लिप आर्ट में देखते हैं, ठीक है? तो ये कुछ क्लिप आर्ट में आ गए, तो आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई। तो इस चीज का सीरियसली बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप कोई भी थंबनेल बनाते हो, आपने देखो वीडियो बनाने में कितनी मेहनत करते हो आप लोग, 5 5 6 6 घंटे लग जाते हैं एक अच्छा वीडियो बनाने में, फिर उसको एडिटिंग करना पड़ता है, फिर आप जैसे ही अपने चैनल पर डालते हो और आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, तो फिर आपको समझ में भी नहीं आता कि यार वीडियो तो मेरी थी, सारा कुछ मैंने ही बोला है, तो इसमें कॉपीराइट स्ट्राइक कहाँ से आ गया। तो यहाँ से आता है कॉपीराइट स्ट्राइक, ठीक है? तो इस चीज का आगे से ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि आपने नया नया चैनल बनाया और आपका कोई बैड एक्सपीरियंस हो जाए। तो टिल देन गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको कुछ हेल्पफुल लगी, तो प्लीज इस वीडियो को थम्स अप करना ना भूलें, है ना? तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड टेक केयर, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज लेके आती रहती हूँ जो आपके यूट्यूब के करियर में बहुत बहुत हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।